हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर क्लास 5 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, सिंप्लीफिकेशन। बताइए, सिंप्लीफिकेशन आपने कई क्लास में पढ़ा है, छोटे क्लासेस में पढ़ के आ पाए हैं, आप तो उसको सिंप्लीफिकेशन आ रहा होगा। मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा सिंप्लीफिकेशन को और एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को। सिंप्लीफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आप लोगों को क्यों सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, क्यों नहीं हम डायरेक्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्यों हम एक फॉर्मूले का यूज करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का यूज करें, पहले हम लोग करते थे 5 + 3 - 2, इस तरीके से हमारे कुछ दे दिया गया। अब देखिए, इसको चाहे मैं इधर से पहले माइनस करूँ या पहले प्लस करूँ, आंसर वही आने वाला है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई बात नहीं होती। देखिए, 3 - 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, 3 - 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। उसी तरीके से मैं अगर पहले एडिशन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 - 2, चाहे हम आगे चलें चाहे पीछे चलें, चाहे हम एडिशन पहले करें चाहे सब्ट्रैक्शन पहले करें, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं जरूरत पड़ती थी पहले के लोगों को। 5 3 हो जाता तो 8 - 2 तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 आ गया। चाहे मैं शुरू से करूँ चाहे अंत से करूँ, शुरू लास्ट मैंने किया तो 1 और 5 6 हो जा रहा था, इस तरीके से पहले से किया तो 8 - 2 6 हो जा रही थी। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उन सभी को लगा कि ये सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से सिंपली जरूरत नहीं पड़ेगी। तब एक आदमी ने चेक किया कि 5 × 3 + 2 क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पहले मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा और फिर पहले एडिशन करूंगा, पहले मैं मल्टीप्लीकेशन वाला करता हूँ। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 × 3 = 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा, 17। उस तरीके से अगर मैं पहले एडिशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 2। अब देखिए गाइस, 5 × 3 + 2 कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25। क्या ये 25 17 के इक्वल है, आप ही बताइए, 25 17 के इक्वल है। यही प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों ने, जो हमारे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये कहा कि हम एक रूल बना देते हैं जिससे हम ऑर्डर फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑर्डर, कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे कि पहले एडिशन करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, उस रूल के हिसाब से ये जो है वो सही है और ये जो ऑर्डर है वो गलत है। आंसर भले आपका सही है लेकिन ये जो मेथड है वो गलत है। अब चलिए उस रूल को देखते हैं। अब जो वो रूल था उसके लिए आप थोड़ा सा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए उस रूल के देखने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के उस रूल को देखने के लिए आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए बच्चा लोग, क्योंकि वो रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करेगा। वो रूल क्या है, बॉर्ड मास। क्या है वो रूल, बॉर्ड मास। कई बच्चों का नाम सर ये क्या है, देखिए बच्चों ये बॉर्ड मास जो है इसमें भी, अभी देखिए इसको अभी भूल जाइए, इसको कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं, ब्रैकेट। कोई कई बच्चे इस चैप्टर को रीडिंग कर चुके हैं तो वो जानते होंगे ब्रैकेट क्या होता है, वो स्टैंड किस पे करता है, ऑफ पे। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड। ब्रैकेट और ऑफ मैं बताऊंगा क्या है, पहले आप लोग ये सब चीज तो जानते होंगे, डिवाइड तो एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो ए स्टैंड फॉर एडिशन और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए अब यहां से देखिए, ऑर्डर ये फिक्स किया गया कि ये इधर की तरफ, यानी पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब अच्छे अच्छे सिंप्लीफिकेशन आपको करने रहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्ड मास फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद रखिएगा टर्म को, इसको हिंदी में कहते हैं, का को पहले तोड़िए ता पीछे कर भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, रेट को दिए घटाए। इसे किसमें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है। आपको ये बस ऑर्डर एकदम अच्छे से याद रखना। चलिए, अभी मैंने बताया था ओ और ब्रैकेट, आपको कैसे इन सभी चीजों को फॉलो करना है।
देखिए ओ को पहले समझ लेते हैं, ब्रैकेट बहुत बड़ा चीज नहीं है, बच्चे ब्रैकेट से डर जाते हैं, लेक्चर को क्विट कर देते हैं, कहते हैं सर हमें समझ नहीं। ओ स्टैंड फॉर ऑफ। अब देखिए क्या रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है फाइव ऑफ थ्री। ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है जहां पे ऑफ दे दिया वहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये नहीं अगर मल्टीप्लाई दिए तो आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर वहां पर क्वेश्चन दे दिया फाइव ऑफ थ्री तो क्या करेंगे फाइव इंटू थ्री कर देंगे, फाइव थ्री जा 15 आ जाएगा आपका आंसर 15। थोड़ा सा कर्म मैं लिख रहा हूँ आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ओ जहां पर भी इसी तरीके से मान इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया सिक्स ऑफ थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई वाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए बॉर्डनेस का रूल देखेंगे, बॉर्डनेस का रूल कहता है पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट को भूल जाइए, ओ ओ स्टैंड फॉर ऑफ, पहले हम क्या करेंगे ऑफ को पहला तमंचो देंगे, पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही है तो ये कौन सा नंबर होगा हमारा दूसरा नंबर होगा, फिर मल्टीप्लाई इसमें दिया नहीं है, ये ऑफ आपको बाद में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, लेकिन अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम सीधे ऑफ से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं दिया तो मल्टीप्लाई का कोई वर्क ही नहीं है, एडिशन एडिशन भी इस क्वेश्चन में नहीं, एडिशन भी नहीं, फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। थ्री फाइव सिक्स ऑफ थ्री यानी कि सिक्स थ्री जा सिक्स इंटू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स थ्री जा 18। इस तरीके से आपको नोट नहीं करना है, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इस तरीके से नोट करेंगे तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपको डिवाइड को पहले तमंजो देनी पड़ेगी, बॉर्डनेस के रूल के अनुसार से फिर डिवाइड को हमें पहले तमंजो देनी पड़ेगी, वो मैंने समझाने के लिए बता दिया है। 18 माइनस टू डिवाइडेड बाय वन, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, दूसरा नंबर हमारा था डिवीजन का, तो टू टू से वन का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टू ही आ जाएगा, 18 माइनस टू यानी कि 16, आपका आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। आपको होप करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा और ऑफ का कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह शो नहीं करते हैं। अभी आपको छह छह एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग, ब्रैकेट। आप लोग सोचेंगे आज व्हाइट बोर्ड पे क्यों नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये जो चैप्टर का था हमने थोड़ा सा ये आज की वीडियो के लिए आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो से हम सीधे बोर्ड पे जाएंगे, ठीक है ना। अब ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पर आ जाइए, ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार, कई बच्चे यहाँ पर क्विट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर अगर आपने क्विट कर दिया वीडियो यहाँ पर नहीं समझे तो यहाँ पर आपको परेशानी होगी। पहला ब्रैकेट होता है इस टाइप का, इसे कहते हैं बिग ब्रैकेट, क्या कहते हैं बिग ब्रैकेट। दूसरा होता है इस टाइप का, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट, और ये जो होता है इसे कहते हैं सिंपल ब्रैकेट, क्या कहते हैं सिंपल ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, इसे सिंपली कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना। इतना आप लोग समझिए, एक चीज और होती है बार ब्रैकेट, वो बाद में देखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बार ब्रैकेट भी बता देंगे, बार ब्रैकेट सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे, ये मैं बता देता हूँ, बार ब्रैकेट सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। बार ब्रैकेट का ये सिंबल होता है, ये फिलहाल आपको नहीं देखना है, अभी आपके सिलेबस में इतना चीज दी गई है, ठीक है। अब देखिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, अब बताइए सबसे छोटे वाले चीज को आप पहले खाएंगे कि बड़े चीज को पहले खाएंगे। आपके पास मैंने तीन चीजें रख दी, ठीक है, सबसे छोटे सबसे बड़े फिर सबसे मिडिल, ठीक है ना। तो आप बच्चों क्या करेंगे, पहले कहेंगे छोटा वाला खा लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़े की ओर आप जाते हैं कि बड़े से छोटे की ओर आते हैं, बड़े से तो छोटे की तरफ आप आएंगे नहीं, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ना कि बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, बड़े छोटे से एक लेवल इस तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो क्या करेगा, ऑर्डर ये चलता है, ऑर्डर इस टाइप का चलता है, इधर से छोटे से बड़े की ओर, यानी कि अगर इस तरीके का कोई भी सिचुएशन दे दिया गया है, इस तरीके का मान लीजिए कुछ भी है और ये इस तरीके से है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही इसे सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं होता, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट का हम मल्टीप्लीकेशन एडिशन या कोई भी ऑपरेशन अगर करते हैं ब्रैकेट के अंदर हम पुट कर देते हैं, तो ब्रैकेट को हम पहले तमंजो देते हैं उसके अंदर सॉल्विंग के लिए। यहाँ पर भी बॉर्डनेस का रूल फॉलो होता है, आप पहले ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिख जाए तो आपको देखना है कितने प्रकार के ब्रैकेट दिए गए हैं। अगर एक प्रकार का ब्रैकेट दिया गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो प्रकार का दिया गया तो आपको देखना पड़ेगा ये ब्रैकेट है कि ये ब्रैकेट है कि ये,
आपको उनमें से छोटे से बड़े यानी कि ये ब्रैकेट अगर ये और ये दे दिया जाए तो इस ब्रैकेट को आप छोटा मानेंगे, वो समझ ही रहे हैं। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे छोटे भैया, उससे बड़े भैया और सबसे बड़े भैया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस पे पहला क्वेश्चन आपका आएगा इस टाइप का है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। देखिए तीनों प्रकार के ब्रैकेट आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया। अब मैंने क्या बताया ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व करना, हमने बोर्ड मैस का रूल याद रखना, बोर्ड मैस ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब उस रूल के अनुसार हम लोग पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। अब यहाँ पर तीन प्रकार के ब्रैकेट दे दिए हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट पहले हम तोड़ेंगे, तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो सेवन का वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेवन ही आएगा। तो हम बाकी सब एलिमेंट आपके उतार देते हैं, नाइन इंटू वन माइनस सेवन से वन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये ब्रैकेट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है ना। तो सेवन से वन डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेवन। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट लग गया, कौन सा ब्रैकेट लग गया, ये मिडिल वाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये ब्रैकेट भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। और ये देखिए इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो अब हमें ब्रैकेट पे ही हम चलना है। किस पे चलना है, ब्रैकेट में ही चलना है, हम ब्रैकेट के अंदर चलना है। किस में चलना है, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि देखिए बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए इसके बाद ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है और यही ब्रैकेट यहाँ पर भी है, तो हम सारा ब्रैकेट एक ही बार में कट कर देते हैं। तो नाइन बन जा नाइन। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए वीडियो को रिमाइंड करिए और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन उतर जाएगा और सेवन है तो सेवन उतर जाएगा, फिर मीडियम ब्रैकेट हाइयर ब्रैकेट, ठीक है ना। देखिए क्यों मैंने दोनों को साथ में तोड़ा, क्योंकि दो ये भी और ये भी दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम क्वालिटी के हैं, सेम मेंबर के हैं। अगर आप चाहें तो इसके एक और स्टेप ले सकते हैं, पहले नाइन ये वाला ब्रैकेट तोड़िए फिर इसके बाद ये वाला तोड़िए। अब मुझे ये फैकल्टी इसमें कुछ है ही नहीं, अगर कुछ रहता तो मैं इसको थोड़ा देर में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिट्रीजा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बोर्ड में ऐसा गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट छोड़ दीजिए इसको, जब तक अंदर का सॉल्व नहीं करें तब तक बड़ा ब्रैकेट हटेगा नहीं। अंदर का जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे एलिमेंट का ऑपरेशन, तब तक हम बड़ा ब्रैकेट चाहे कोई भी ब्रैकेट हटा नहीं सकते हैं, जब तक हम उसके अंदर के एलिमेंट को खाली ना करें, ठीक है ना। सिक्सा 18 बोर्डनेस के रूल से पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद 18 प्लस 9 माइनस 7, फिर यही ब्रैकेट चलता रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया, तो बोर्डनेस के रूल से क्या करता है, पहले हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 18 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 18 और 9 हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका 27 माइनस 7, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर 27 में से 7 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 20। अब देखिए कुछ एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो कोई एलिमेंट नहीं तो क्या हो जाएगा 20। अब चलिए बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन टोटल तरीके से खत्म, आपको इसमें क्या सीखना था, बोर्डनेस का रूल सीखना था और ये ब्रैकेट के बारे में सीखना था। और देखिए बच्चों ये आ जाता है कभी कभी, 7 के ऊपर आपको दे दिया जाएगा बार, उसके बाद ये दिया जाएगा, तो पहले आप क्या करेंगे जो बार वाला चीज है टाइल में उससे हम पहले सॉल्व करते हैं, ये बार ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं बार ब्रैकेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट, इसे कहते हैं हाइयर ब्रैकेट, क्या कहते हैं हाइयर ब्रैकेट, छोटे भैया मझले भैया बड़े भैया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, अब क्वेश्चन देखेंगे हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए गाइस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपका टोटल जितना भी क्वेश्चन का डाउट रहेगा सारा क्वेश्चन का डाउट आपका खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद, आपको फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए Thank you.
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको बोर्ड मैथ्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको बोर्ड मैथ्स को फॉलो करना पड़ेगा रूल। बोर्ड मैथ्स का रूल आपको समझ में ही आया था और मैंने ब्रैकेट का भी रूल बता दिया है। पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताऊ, यहाँ पर देखिए अगर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, टू है और ब्रैकेट में सिक्स है, टू है ब्रैकेट में सिक्स है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके का कंडीशन होता है तो क्या होता है, बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बताया था इन सब चीजों के बारे में बेसिक लेक्चर में। देखिए यहाँ पर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कहीं पे भी अगर दो डिजिट है, एक अगर ब्रैकेट में है, तो अगर आपको वहां पर कोई भी अगर से ऑपरेशन नहीं दिया गया बीच में, तो उनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम लोग, अब चलिए बाकी सब चीज हम नोट डाउन करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए 9 × 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, और 2 + 7 7 और 2 क्या हो जाता है, हम ब्रैकेट तोड़ेंगे इस वाले को, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9। तो ये वाला ब्रैकेट खत्म, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 9। ये वाला ब्रैकेट ऐसे उतर जाएगा। और मैंने बताया जब इन दोनों का ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखिए कोई सिंबल नहीं, ना प्लस का है, ना माइनस का है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना एडिशन है, ना डिवीजन है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हम लिखते हैं, उसे मल्टीप्लिकेशन ही मानते हैं। क्योंकि ये जब हटता है, ये वाला चीज आपका जो ब्रैकेट हटता है, तो क्या हो जाता है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्लियर किया। देखिए मैंने गलती कर दी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब चलिए फिर देखते हैं 27। अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप बताइए, हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में क्या करेंगे, 9 × 9 = 81 क्या हो जाएगा, 81 + 2 × 6, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर चलते रहिए, एकदम इसी रूल को आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट तो सारे हट गए, अब बड़े वाला ब्रैकेट है, तो बड़े वाले ब्रैकेट को हम लास्ट में हटाएंगे जब इसके अंदर के सारे सॉल्यूशन कर लेंगे। अब किस इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लगेगा आपका फिर बोर्ड मैथ्स, क्या लगेगा, बोर्ड मैथ्स। तो बोर्ड मैथ्स के अनुसार क्या होगा, ब्रैकेट तो एक है, तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए हमें अंदर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो अंदर का करने के लिए पहले क्या है, यहाँ पर डिवाइड कुछ नहीं है, डिवाइड छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक आप एकदम क्लियर रहिएगा, अगर यहाँ पर डाउट है तो बच्चों बोलिएगा, मैं तुरंत इसका दोबारा वीडियो बनाऊंगा। 6 × 12 − 7, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं बचा तो एडिशन है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, सारा एडिशन करते थे हम तीनों का एक साथ ही एडिशन करते हैं, क्योंकि पहले इसको करें फिर चाहे इसको करें बात वही होती है, चाहे 2 + 2 + 2 का है, चाहे 2 + 2 + 2 का है, वही बात होती है, ठीक है ना बच्चों। चाहे टेढ़ा कहे चाहे सीधा कहे, बात वही होती है। तो 2 × 3 = 3 × 7 = 10 carry 1 8 1 9 1 10 2 12 120 − 7। बच्चों मैंने ये सीधे सीधे मुझबानी किया है, आप इसे कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। 120 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 113। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, कुछ नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एक और मैं क्वेश्चन ऑफ वाला बता देता हूँ, ऑफ वाला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ऑफ वाला इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 27 of 9 + 6 × 7 − 2 × 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ऑफ वाला क्वेश्चन आ गया, ऑफ वाले क्वेश्चन को भी हम करेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये ऑफ उतरता जाएगा। बोर्ड मैथ्स का रूल आपको ध्यान देते रहना है, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, पिछले क्लास में आपको क्या बताया गया था, फोर्थ में, कि डी मैथ्स का रूल होता है, किसका रूल होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट तो है नहीं, वो सब छोड़िए, बड़ा ब्रैकेट है उससे करली ब्रैकेट, तो हम करली ब्रैकेट को हटाएंगे। करली ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 2 = 6, तो क्या हो जाएगा, 6। तो करली ब्रैकेट भी हट जाएगा, ठीक है बच्चों। चाहे यहाँ पर एक स्टेप मैंने गैप कर दिया, यहाँ पर करली ब्रैकेट लाया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में गया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। चलिए 27 of 9 + 6 × 7 − अब यहाँ पर करली ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब हम ब्रिक ब्रैकेट को हटाएंगे। किस ब्रैकेट को हटाएंगे? ब्रिक ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रिक ब्रैकेट को हटाने के लिए अंदर देखिए क्या करना पड़ता है हमें। हर जगह कोई भी अगर आपको पैक सॉल्यूशन, कोई भी पैक अगर क्वेश्चन दिया गया पैक क्वेश्चन, तो वहां पर हम क्या करते हैं, तुरंत हम वहां पर बोर्ड मैस का रूल लगाते हैं। किसका रूल लगाते हैं? बोर्ड मैस का। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ पर रूल लगा देते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन करने के पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बोर्ड मैस रूल के अनुसार। तो 27 ऑफ 9, उसके बाद क्या करेंगे, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो फिर यहाँ पर देखिए बच्चों बहुत लंबा जा रहा है ये, 27 ऑफ 9 प्लस 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 36 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 27 ऑफ 9 यानी क्या करते हैं, 27 का 9 में मल्टीप्लाई कर देते, 27 ऑफ 9 प्लस 36, यहाँ पर ब्रैकेट ये भी हट जाएगा, जब ये सिंपल हो जाता है तो ब्रैकेट हट जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 27 ऑफ 9 यानी 27 इंटू 9, यहाँ पर आपको स्टेप नहीं शो करना है, इसको यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ क्या करते हैं हम लोग, 27 इंटू 9 करते हैं। क्या करते हैं, 27 इंटू 9 में रफली कर रहा हूँ, आप लोग फेयर परचेस करिएगा, इसको आप लोग साइड में कर लीजिएगा। तो 27 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 9 जा 63, कैरी 6, 9 टू 18, 18 और 6 हो जाएगा आपका 24। ठीक है ना बच्चों, 243 प्लस 36 तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 63943 437। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 279 आंसर। इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है, अब इसका एक पार्ट बचा है जिसमें हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।